नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 71वां जन्मदिन मना रहे हैं। देश भर के तमाम नेता उन्हें जन्मदिन की बधाई भी दे रहे हैं। पीएम मोदी के राजनीतिक विरोधी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट कर लिखा, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। बता दें कि पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी ने 20 दिन के राष्ट्रव्यापी अभियान की योजना बनाई है, जो आज से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को खत्म होगा। वहीं कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। बीजेपी के 20 दिन के इस अभियान के पीछे वजह यह है कि आज से 20 दिन बाद यानी कि 7 अक्टूबर को 20 साल पहले पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसे देखते हुए बीजेपी ने इस अभियान को 7 अक्टूबर तक चलाने का फैसला किया है। वहीं बीजेपी ने इसके लिए 4 सदस्यीय समिति बनाई, जो पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए काम आयोजित करेंगे। बता दें कि समिति का नेतृत्व कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रक्तदान शिविर, मोदी जी के जीवन पर प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम इस अभियान के तहत आयोजित किए जाएंगे। साथ ही पार्टी के सभी कार्यालयों से लाखों की संख्या में पोस्ट कार्ड पीएम मोदी को भेजे जाएंगे। तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है, ट्वीट करके लिखा, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। अंबेडकर नगर अमेठी बाराबंकी, जहां लगातार बारिश हो रही है और बारिश में जहां एक तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई शहरों में घरों के कच्चे मकान गिर गए हैं। कहीं किसी बच्चे की मौत की खबर आ रही है, तो कहीं किसी युवक की, तो कहीं कहीं मवेशी भी इसके चपेट में आ रहे हैं। बारिश को लेकर सरकार भी सतर्क हो गई है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि जरूरत होने पर ही घरों से निकलें। बारिश में जहां एक तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, तो कई शहरों में और ग्रामीण इलाकों में कच्चे मकान की दीवारें भी गिर रही हैं। तो बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मूसलाधार बारिश की वजह से आम जनजीवन कितना ज्यादा प्रभावित हो रहा है। फसलें पूरी तरह से पानी में डूब रही हैं। तो 3 तस्वीरें आपके सामने, अंबेडकर नगर अमेठी बाराबंकी। अंबेडकर नगर में भारी बारिश की वजह से गरीबों के मकान गिर रहे हैं। अमेठी में कच्चे मकान गिरने से कईयों की मौत हो गई है। वहीं बाराबंकी में भी एक मासूम की जान चली गई है। आप देखिए इन तस्वीरों को और अंदाजा लगाइए कि बारिश की वजह से कितना ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है। और बाराबंकी से मेरे सहयोगी रविंद्र पटेल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, कैसे हालात हैं बाराबंकी के? क्या बारिश से कुछ हालात ठीक हुए हैं या स्थिति जस की तस है? देखिए काजोल, बता दूं 15 सितंबर की रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। 16 सितंबर को यहां पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, भारी बारिश के चलते यहां मुख्यमंत्री को कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। भारी बारिश के चलते जो 2 जगह कार्यक्रम थे वहां पर जलभराव हो गया और कई जगह जो रोड है, हाईवे है, वहां पर पेड़ गिर गए, जिसके चलते यहाँ पर मार्ग भी अवरुद्ध हुआ है। लगातार मूसलाधार बारिश से अपडेट बता दूं, इस समय की जो अपडेट है, 7 लोगों की मौत अब तक की बाराबंकी जनपद में हो चुकी है कच्चे मकानों की दीवारें गिरने से। सबसे पहले जो मौत हुई थी, पिता पुत्र की मौत हुई थी, वो असंदरा थाना क्षेत्र में हुई थी। और इस मौत के बाद जो है रामसनेही घाट थाना क्षेत्र है, बड्डूपुर है, लोनी कटरा है और यहाँ सतरीखई, इन क्षेत्रों में लगातार जो है कच्चे मकानों के गिरने की खबरें आ रही हैं, जिसमें अब तक की अपडेट है 7 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार प्रशासन सरकार के द्वारा जो मदद है वो देने की यहाँ पर बात कर रहा है और मामले की जांच कराने की बात कर रहा है। जांच कराने के बाद यहाँ पर मुआवजा दिया जाएगा और हर तरीके से जो जनप्रतिनिधि है वहाँ पहुँच कर सांत्वना दे रहे हैं। लगातार बारिश का बाराबंकी जनपद में कहर बरपा हुआ है। गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा बिल्कुल है। बिल्कुल, यहाँ पर बात मैं करूंगी कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि जो भी अधिकारी हैं, जो चाहे वो पंचायत राज स्तर के हों, चाहे वो निगम के अधिकारी हों, वो मौके पर जाएं, मुआयना करें कहाँ कहाँ पर हालत ज्यादा गंभीर है। क्या ऐसा कोई अधिकारी इन इलाकों में पहुंचा है रविंद्र?
काजोल बता दूं यहाँ पर बाराबंकी जो जिला प्रशासन है लगातार टोल फ्री नंबर दे दिए गए हैं। यहाँ पर बाढ़ राहत टीमों को लगाया गया है, हर जगह से जो टोल फ्री नंबर पर सूचनाएं आती हैं वहाँ पर मदद भेजी जा रही है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि गांव हो या शहर हो हर जगह हालात काफी खराब है। इसके चलते मदद भी पहुँचने में काफी समय लग जा रहा है क्योंकि हर जगह बता दूं मदद की जरूरत है। तो ऐसे में थोड़ी सी स्थिति यहाँ पर गंभीर है और मदद हर जगह जरूरत है। तो यहाँ पर प्रशासन लगातार मुस्तैद है, हर जगह मदद पहुँचाने की हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ ज्यादा दिक्कत हुआ तत्काल मदद पहुँचाई जा रही है, जहाँ पर थोड़ा पानी भरा है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है वहाँ थोड़ी देर के बाद मदद पहुँच रही है, लेकिन प्रशासन लगातार मुस्तैद है। टोल फ्री नंबर बांटे गए हैं और प्रशासन द्वारा हर संभव मदद की जो यहाँ पर बात कही जा रही है राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है रविंद्र उन लोगों को जो काफी ज्यादा प्रभावित है। देखिये तस्वीरें देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि वाकई बहुत बुरा हाल है बाराबंकी का बाढ़ बारिश की वजह से। बिल्कुल काजल बता दूं 15 जो सितंबर है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के जिस दिन रात है 15 तारीख की रात को 11:30 बजे से यहां पर बारिश होना शुरू हुई है। लगातार यहां जो है बारिश हो रही है, जल भराव काफी हो गया है, जल निकासी की समस्या उत्पन्न हो गई है। मैदान हो, कस्बा हो, गांव हो, शहर हो, जिला कारागार हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर जो है यहाँ अधिकारियों के आवास हो वहां तक पानी पहुंच चुका है। कस्बे और शहरों में घरों के किचन तक पानी पहुंच गया है। बिल्कुल रविंद्र, तो वहां के जो लोग हैं जो प्रभावित हैं उनका क्या कहना है, क्या उन तक राहत सामग्री पहुंच रही है? जो लोग ऐसे हैं जो पलायन कर रहे हैं क्या उनको कोई राहत शिविर मिला है? देखिए काजोल बता दूं यहाँ पर जो घाघरा नदी है पहले से ही न्यूज वर्ल्ड ने वो खबरें दिखाई हैं, वो खबरें लोगों तक पहुंचाई हैं। जहाँ पर पहले से ही बाढ़ थी वहां पर उनको बंधे पर शिफ्ट किया गया है, वो पहले से ही एक महीना पहले से यही बाढ़ जो ग्रस्त इलाके हैं फिलहाल कस्बे हैं शहर है यहाँ पर इतनी स्थिति खराब नहीं आई कि पलायन करने की आवश्यकता हो। यहाँ पर प्रशासन लगातार मवेशियों के लिए क्या खास यहाँ पर तैयारी की हुई है, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि कच्चे मकान गिरे हैं और दीवारें गिरने से कई मवेशियों की भी जान चली गई है बाराबंकी। देखिए काजोल यहाँ बता दूं जो प्रशासन है जो तहसील प्रशासन है जिस क्षेत्र के तहसील क्षेत्र में घटनाएं होती हैं वहां पर तहसील के जो है जो तहसीलदार हो एसडीएम हो या नायब तहसीलदार हो या लेखपाल हो इन सभी को और इनके साथ साथ टीमें भी लगाई गई हैं, मदद तत्काल पहुंचाई जा रही है। लेकिन वो कच्चे घर हैं जो लगातार 36 घंटों से बारिश से नम हो चुके हैं वो गिर जा रहे हैं, लेकिन लगातार प्रशासन जो है बता रहा है उन कच्चे मकानों में न रहे, जहाँ ज्यादा बारिश है ज्यादा जल भरा हो उन कच्चे मकानों में न रहे, सरकारी आवास में चले जाए या कहीं अलग रहे, इससे खतरा हो सकता है। तो लगातार प्रशासन यहाँ मदद की बात कर रहा है और जो लोगों को बता रहा है जिसके चलते यहाँ पर थोड़ी बहुत घटनाएं हुई हैं लगातार उस पर प्रशासन नजर बनाए हुए हैं। ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे हम लेते रहेंगे। तो बाराबंकी से मेरे सहयोगी जुड़े हुए थे जिन्होंने साफ तौर पर हालात कैसे हैं बाराबंकी के वो बताए हैं। यहाँ पर राहत सामग्री का जो सामान है वो पहुंचाया जा रहा है लेकिन लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, कई मवेशियों की जान चली गई है, कई बच्चे इस बाढ़ बारिश की चपेट में आ गए हैं जिनकी वजह से उनकी मौत हो गई। ऐसे में लोग परेशान तो हैं लेकिन सरकार द्वारा पुरजोर कोशिश की जा रही है कि प्रशासन लोगों तक पहुंचे, राहत सामग्री यहां पर बांटी जाए। तो बारिश में लगातार हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में योगी सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि जो भी अधिकारी हैं वो जाएं, मौका मुआयना करें, इलाकों में लोगों को जागरूक करें, साथ ही साथ जो ऐसी जगह है जहां पर हालात बदतर हैं वहां से पहले ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए क्योंकि 17-18 और आने वाले समय में काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। अमेठी से मेरे सहयोगी रणविजय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रणविजय, अमेठी के कैसे हालात हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और आने वाले समय में मौसम और ज्यादा खराब हो सकता है? जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। जो है कई मकाने गिरने की सूचनाएं मिली है। ऐसे में संग्रामपुर में आज संग्रामपुर थाना अंतर्गत एक कच्ची दीवार के गिरने से करीब 58 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। और अभी हालात ये है कि बारिश की संभावना ज्यादा देखी जा रही है। बिल्कुल रणविजय, अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अमेठी से सांसद वहां पहुंची हुई हैं, क्या इस स्थिति को लेकर उन्होंने बातचीत की है, कोई बैठक की?
जी नहीं, इस स्थिति के लेकर कोई बैठक नहीं हुई। स्मृति ईरानी जी केवल यहाँ पे पहुंची हैं कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। नहीं, स्मृति ईरानी वहाँ पहुंची है, अमेठी से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो पहुंची हैं, क्या उन्हें हालात नजर नहीं आए? जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो कल रात से ही जनपद में है और वो सबसे पहले रात में शहीद परिजन के घर गई थी और वहां से आने के बाद वो सीधे जो है जाके एचएल रुकी है। एचएल रुकने के बाद वो सुबह निकली है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ साथ होके सीधे साइंटिफिक स्कूल कवहार के पास हो रही कुश्ती स्थल पे वहीं है। जी, यानी कि वो ये कहती हैं कि अमेठी मेरा घर है, लेकिन अपने घर में किस तरह के हालात बने हुए हैं इसको नजरअंदाज स्मृति ईरानी करती हुई नजर आई हैं। चलिए, अगर बात प्रदेश सरकार की मैं कर लूं तो प्रदेश सरकार की तरफ से जो हालात बताए जा रहे हैं कि हालात बेहद खराब हैं, तो ऐसे में प्रदेश सरकार ये कह रही है कि हम वहां पर पहुंच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। अमेठी में ऐसी कोई तस्वीर आई? नहीं, ऐसी कोई तस्वीर अभी तक नहीं आई है। पिछले 48 घंटों में देखा जाए तो कल भी बारिश से जो है जनपद पे अमेठी जनपद में कई कच्चे मकान ऐसे गिरे जिसमें दो लोगों की सूचना कल भी थी, आज सुबह ही एक मौत की सूचना मिली है कच्ची दीवार गिरने से। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। रणविजय, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। तो अमेठी में अमेठी के सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वहां पहुंची हुई हैं, लेकिन बाढ़ बारिश के हालातों पर उन्होंने कोई जायजा अब तक नहीं लिया है, लेकिन हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ यूपी बाढ़ बारिश से परेशान है तो दूसरी तरफ डेंगू और वायरल बुखार से परेशान है। आगरा में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीजों की संख्या के बाद स्वास्थ्य महकमा सक्रिय हो गया है। गांव में मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद आगरा के जिला चिकित्सा अधिकारी ने क्षेत्र का दौरा किया, जहां सीएमओ ग्रामीणों से हालातों की जानकारी लेते हुए नजर आए और स्वास्थ्य टीमों को लगातार सैंपलिंग और कैंप लगाने के निर्देश दिए। लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इस तरह के दिशा निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जो डेंगू की चपेट में हैं, वायरल बुखार की चपेट में हैं। ये इस बार कल समाज पत्रों और समाचार पत्रों के माध्यम से और पूर्व में हमें पता नहीं था कि यहाँ पे अतमादपुर के पास बरहन जगह है, बरहन के पास सराय मीठा, सराय जयराम और बुर्ज अदबर, ये दो गांव हैं जहाँ पे वायरल बुखार के रोगियों की संख्या दिखने थी। वहाँ पे पिछले तो 3 दिन से कैंप भी लगाया जा रहा है सराय जयराम में, पेशेंट की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ी है, लेकिन हम लोग लगातार वहाँ पे डेंगू मलेरिया के टेस्ट भी करा रहे हैं। अभी तक कोई भी पॉजिटिव वहाँ पे उन कैंपों में नहीं प्राप्त हुआ है। आज उस गांव के निरीक्षण के दौरान देखा कि नालियों में का जो निकास है वो गांव के बाहर अवरुद्ध हो गया है छवेर निर्माण के कारण, जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई, अपनी बातों से कही गई है, जिससे कि उसका वो निकास अगर खुलवाएं तो जमाव पानी का जमाव हटे और आसपास के जो और जो बीमार लोग हैं उसी पानी के जमाव के आसपास के। पीलीभीत लगातार नशे की जद में है। स्मैक चरस के बाद पीलीभीत में युवा ड्रग्स की भी एडिक्टेड होती नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये ड्रग्स इनके पास कैसे पहुंच रहे हैं और कैसे ये इन्हें खरीद रहे हैं। बता दें कि ये बात तब सामने आई जब सुनसान जगहों पर इंजेक्शन लेते लोगों का वीडियो वायरल हो गया, लेकिन इन सब में जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से दूरी बनाते दिख रहे हैं, जिसे लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर यही सिलसिला रहा तो यह आंकड़ा लगातार बढ़ता रहेगा। पीलीभीत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, नशे की चपेट में युवक आ रहे हैं। पहले तो सिर्फ चरस गांजे जैसी चीजें यहां पर दिखा करती थी, लेकिन अब तो ड्रग्स के इंजेक्शन लेते हुए लोगों का वीडियो वायरल हुआ है।
पश्चिमी दिल्ली के रजौरी गार्डन थाना पुलिस टीम ने देश भर में सक्रिय धोखेबाजों की एक गैंग का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी पहचान तरुण कुमार 29 साल के रूप में हुई है, जो दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके का रहने वाला है। पुलिस टीम को आरोपी के पास से 7,14,500 रुपए और 3 जाली चेक बरामद हुए। फिलहाल पुलिस टीम में आगे की जाँच शुरू हो गई है। रजौरी गार्डन का एक पूरा मामला जहाँ पर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है, पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में हो रही लगातार बारिश से उमरियापन दिमेरा खेड़ा मार्ग के गर्रा घाट पुल के ऊपर नदी का पानी आने से लोगों की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसके बाद सुबह से दोपहर तक आवागमन बाधित रहता है। हालात ये हैं कि लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस पुल को पार करते हैं, ऐसे में कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। प्रशासन और पुलिस ने लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि पुल का पानी कम होने तक आवागमन ना किया जाए, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। पानी होने तक लोगों और दो चार पहिया वाहनों को चालक को दूसरे रास्ते से आवागमन करने की सलाह दी गई है, लेकिन लोग फिर भी इसी रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के कटनी का एक पूरा मामला जहां पर जिले में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पुल पर भी पानी आ गया है और लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि वो इस रास्ते से ना जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीण मानने के लिए तैयार नहीं है। हादसे में दिनों डेंगू की बीमारी को लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से इस बीमारी को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। अगर हम बात करें हाथरस की, तो हाथरस में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाया गया है और करीब 56 से ज्यादा मरीज भर्ती है और स्वास्थ्य विभाग की टीमें गाँव गाँव में कैंपेनिंग कर लोगों का इलाज कर रही है। बात करें तो बीमारी की, तो अब तक जितनी भी मौतें हुई हैं उनमें से किसी में भी डेंगू की पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन हाथरस में काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन डेंगू की पुष्टि उनमें नहीं हो रही है, ऐसा मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंद्रमोहन चतुर्वेदी का कहना है। उनका कहना है कि जितने भी लोगों की अब तक मौत हुई है उनके कागजात देखे गए हैं और जिसमें एक भी डेंगू से मौत नहीं बताई जा रही है। हाथरस जिले में डेंगू के इस वक्त हमारे पास 42 केस थे, कल तक आज कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, ज़्यादा करीब उनकी टीमें लगी हुई हैं, टीमें उनके घरों पर भ्रमण करने गई हुई हैं और जो डेंगू से जो मौतें हो रही हैं उसमें सभी मौतें डेंगू की नहीं हैं ना। अभी तक जितनी भी मौतें हुई उनकी सब जाँच कराई गई, उनमें से किसी की भी पुष्टि डेंगू होने की नहीं हो पाई है, जिसमें 8 पहले वो बताया गया था कि 8 डेथ हुई हैं उसमें, लेकिन सब में एक में तो पेशेंट ही बाहर का कहीं बाहर था, वो खाली क्रीमेशन कराने यहाँ लेके आए थे हसैन, लेकिन उसको जो निकाला गया उसमें ये निकाला गया कि यहाँ से डेथ हुई है, लेकिन डेथ कहीं बाहर हुई थी, वो अपने रेंटल हाउस में लेके आए थे उनको। बाकी अभी तक हम लोग जितनी भी डेथ हुई हैं सबका ऑडिट कर रहे हैं और कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी एक सैफो में कल थी नगला मेवा में, तो ये बताया गया कि डेंगू से हुई है, लेकिन जब उनके कागज़ देखेंगे और सब प्रपत्र देखेंगे उस बच्चे के, तो उसमें उनका लिवर की डिजीज थी उनको और उस वजह से डेथ हुई थी, उसमें डेंगू का कोई रोल नहीं था। नोएडा में चोरों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा, आए दिन लूटपाट और चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते हैं, जिसके चलते पुलिस ने नोएडा सेक्टर 20 और ग्रेटर नोएडा में इकोटेक 3 कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों के साथ मुठभेड़ की, जिसमें कुल 6 बदमाश पकड़े गए हैं और पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ग्रेटर नोएडा में लगातार बदमाश लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे में ग्रेटर नोएडा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर काम कर रही है, रात में भी पुलिस गश्त कर रही है, ऐसे में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, 6 बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। फतेहपुर में पिछले 24 घंटे से लगातार जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है,
एक ओर जहां जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, वहीं कई थाना क्षेत्रों में कच्चे मकानों के गिर जाने से 3 बच्चों समेत 4 लोगों की जान चली गई। इस दौरान 1 दर्जन से ज्यादा मवेशियों की मौत हो गई है, लगभग आधा दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है। इन स्थानों पर जिला प्रशासन ने राजस्व टीमों को भेजकर मौका मुआयना करना शुरू कर दिया है। मूसलाधार बारिश से लेकिन जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है, तो बारिश से एक युवक और कई मवेशियों की जान चली गई है, कुछ मासूम बच्चों की भी मौत हुई है। दीवार थी कच्ची, वो दीवार सुबह पलट गई, उसी में एक दब गई। क्या नाम है इनका? इखाई। कहाँ के रहने वाले हैं? जानीपुर असोथा थाना काउंडर गांव, पुरवा है काउंडर का जानीपुर। ये कब घटना घटित हुई थी? ये सुबह हुआ। तो क्या इनका कच्चा आवास था? इन्होंने प्रधान से कभी कहा था आवास के लिए? अधिक वर्षा के कारण जनपद फतेहपुर कुछ जनहानि की घटनाएं घटित हुई हैं। तहसील सदर के अंतर्गत ग्राम जजरा में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और एक जनहानि जो है वो तहसील बिंदकी के ग्राम मेरहरा में हम लोगों को संज्ञानित हुई है। इसके पृथक से तहसील खागा के अंतर्गत मोहम्मदपुर गौती ग्राम में ग्राम दरियापुर के जो मजरा है उसमें 2 बच्चियों की जनहानि हुई है। चारों ही जगह पर मौके पर SDM एवं तहसीलदार द्वारा त्वरित रूप से मौके पर पहुंच करके राहत एवं अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई गई हैं परिवार जनों के लिए। मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की। युवक ने फांसी लगाने से पहले वीडियो भी बनाया है जिसमें उसने ससुराल और बिचौलियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी की जा रही है। तो मथुरा का एक पूरा मामला जहां पर एक युवक ने फांसी लगा ली और उससे पहले एक वीडियो भी बनाया है जिसमें उसने अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके आधार पर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। प्रतापगढ़ में दहेज उत्पीड़न के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। ताजा मामला जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीगंज बाजार का है, जहां एक परिवार ने बेटी के ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है कि दहेज के लिए ससुराल ने बहू को जहर दे दिया। बता दें कि 13 सितंबर को विवाहिता की मौत हुई थी, जिसकी शादी 11 साल पहले हुई थी। मृतका के परिजनों का कहना है कि जेठवाड़ा पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत है, जिसके चलते मामले की कार्रवाई नहीं हो रही, जिसके बाद मृतका के परिजनों ने SP ऑफिस में शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।